तो कैसे हो मेरे पबजी वाले भाइयों। तो यार स्वागत है आप लोगों का पबजी मोबाइल के एक और नए गेम प्ले वीडियो में। और आज हम यार जॉर्जो पुल आए हैं, तो जॉर्जो पुल में यार उतरते ही दबा के फाइटें होंगी, तो मजा आने वाला है बिल्कुल देख के। देखो यार तो उतरते ही यार बैरल मिल जाती है, और बढ़ता हूँ मैं बंदों की तरफ। सामने से एक बंदा दिखता है, उसको मैं नॉक करता हूँ और रश करते हैं इन पे। और यहाँ पे यार एक के बाद एक मतलब बंदे आ ही रहे थे, तो सबको पेल लेंगे, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है यहाँ। तो इतने में ही हमारे भाई को कोई एक नॉक कर देता है, भैया पता नहीं क्या ही लड़ाइयाँ ले रहा था। तो यहाँ पे यार दो बंदे आपस में लड़ रहे थे, तो एक को नॉक करता हूँ और दूसरे को भी साथ ही नॉक करके फिनिश करता हूँ। तो इसी के साथ तो यार ये वाली टीम जो है वो मैं क्लियर कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यार दो नंबर की यहाँ पे हमारे की पेटी बना दी थी किसी ने, तो बदला लेंगे उसका आगे जाके। इससे पहले यार जो सैग में बंदा नोक पड़ा है ऐसे क्लियर करता हूँ जाके। और यहाँ दो दो बंदे हैं, अब मेरे को नहीं पता यार इनका किल क्यों नहीं मिला। शायद यार इनको जो है हमारे चार नंबर भाई साहब ने नोक किया हुआ था। तो फिनिश करता हूँ मैं इनको, और एक बंदा यार सामने की साइड आ चुका है, तो देखते हैं उसे। तो इस बोट या जो भी बंदा था उसको क्लियर करने के बाद मैं आगे की साइड जाता हूँ, और एक और बंदा दिखता है, तो मिस्टर का नाम करके कुछ इसका नाम था यार, तो इसको नॉक कर दिया मैंने। और यहाँ पे यार बंदे जो है वो दबा के मिल रहे थे, और ये बोट देखो यार मतलब पेटी लूटने आ गया। तो पता नहीं यार बोट थे क्या थे, तो जो भी जितने भी बंदे थे यार यहाँ पेल चुका हूँ मैं, और आगे बढ़ेंगे, आगे भी जाके यार खतरनाक फाइटें होने वाली हैं। तो यहाँ से मैं जा ही रहा था कि एक बंदे के और फुटस्टेप आते हैं, और ये कुछ ज़्यादा ही चलाक बन रहा था, तो चलाकी निकालते हैं इसकी यार आगे चल के। और विक्टर लेके यार ये बंदा अपने आप को पता नहीं क्या ही समझ रहा था, और स्प्रे इसने यार खतरनाक दिया था, वो बात अलग है, पड़ी नहीं इसकी एक भी गोली। तो जॉर्जो पुल खाली हो चुका था, और मैं कार लेने के लिए यहाँ पे आता हूँ, और कार लेके हम आगे बढ़ते हैं, आगे जाके यार और बंदों को देखते हैं। तो जैसे यहाँ से जा रहे थे तो ये दो बोट यार आपस में पता नहीं क्या ही कर रहे थे यहाँ, तो दोनों को नॉक करता हूँ मैं और क्लियर कर देता हूँ इन दोनों को यहीं पर ही। और वो टाइम आने वाला है यार जहाँ पर आगे जाके ख़तरनाक फाइट होने वाली है, तो गाड़ी उठाते हैं हम और सीधा निकलते हैं। काफ़ी देर तक यार बंदे देखते हैं हम, पर बंदे मिल के नहीं दे रहे थे। तो यहाँ की साइड से जैसे ही हम जा रहे थे तो इस घर पे बंदे बैठे हैं, तो निकलते हैं हम यहाँ से, और हमारे भाई मार्क करते हैं कि बंदा है उधर, तो मोड़ता हूँ मैं गाड़ी को। और यहाँ पर भी यार एक के बाद एक बंदे को पेल के रख देंगे यहाँ। तो यहाँ पे रुक के मैं नेड़ फेंकता हूँ और सोचता हूँ क्या पता यार कोई बंदा नेड़ से फट जाए, पर ऐसा तो यार बिल्कुल भी नहीं होने वाला। बंदा तो यार उनका तो फटता नहीं, हमारा बंदा ज़रूर फट जाता है यहाँ पे उनकी गोली से। तो कोई दिक्कत नहीं यार, बदला लेंगे इसका। और ऊपर की साइड ये बैठा पड़ा है बिल्कुल, तो मैं आगे की साइड आता हूँ और फिर से नेड़ करने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पर यार अपने नेड़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं और काम तो यार बिल्कुल भी नहीं करते। तो नेड़ फेंक दिया मैंने, पर यार फटा तो नहीं नेड़ बिल्कुल भी। तो उसके बाद यार मैं आगे की साइड बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि क्या पता यार कोई और फंस जाए यहाँ। तो यार जो ऊपर की साइड बंदा है वो मेरे को नहीं पता यार ये किस टाइम पेल चुके हैं उसको, और पता भी नहीं लगा था यार, पता नहीं कैसे ही इन्होंने पेल के रख दिया उसे। तो अब मैं यार उसी के चक्कर में था कि अगर मैं ओपन में फाइट लूंगा तो वो मेरी पेटी बना देंगे। खैर यहाँ पे दूसरी टीम आ चुकी है, तो उसका एक बंदा नॉक करता हूँ मैं, जो कि यार टूटी उसके टाटा सुमो के पीछे बैठा है। तो स्मोक फेंकता हूँ मैं भाई के पास बचाने के लिए, और रिवाइव करेंगे इसको यार। अब यार पीछे से ये डर लग रहा था कि ऊपर वाला बंदा ना पेल दे, पर यार मेरे को ना पता नहीं लगन दिया इन्होंने बिल्कुल भी कि किस टाइम इन्होंने पेल के रख दिया ऊपर वाले बंदे को।
तो रिवाइव करता हूँ मैं भाई को यहाँ पे, और सामने की साइड यार दो तीन बंदे और आ चुके हैं तो उनको भी पहल लेंगे जरूर। और गर्दन देखो यार कतई दीवार में ही गड़ गई थी। तो ये बंदा यार इसे रिवाइव देने आ रहा था अपने बंदे को, तो इसको नोक करता हूँ मैं और दोनों की पेटी बनाता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे ये चीज़ पता चल गई थी कि इनका एक और बंदा जो है वो बचा पड़ा है, क्योंकि नोक हो रहे थे दोनों बंदे, एक है या दो है वो आगे जाके पता चलेगा। तो अभी भी देखो यार मैं ऊपर की साइड मोली कर रहा था, क्योंकि यार मेरे को नहीं पता चला कि किस टाइम इन्होंने जो है ऊपर वाला बंदा क्लियर कर दिया, वो ऊपर ही था या नीचे था यार कुछ नहीं पता। तो जा ही रहा था मैं यहाँ से, और ये बंदा देखो यार कितनी खतरनाक कैंपिंग करके बैठा है। तो उतरते ही यार मैं इसकी यहीं पे ही पेटी बनाता हूँ, क्योंकि यार इसने जो है वो ज़्यादा ही गंदी कैंपिंग कर रखी थी और मैं नहीं सोच रहा था यार ये गाड़ी गुड़ी फोड़े। तो उतरते ही यार इसकी पेटी यहीं पे ही बना देता हूँ मैं और आगे बढ़ते हैं, और भी किल चाहिए अभी। अब ये चार नंबर यार पता नहीं क्यों, मतलब तीन नंबर जब इसको पता है जोन छोटा रह गया है और फिर भी यार लूटने जा रहा है, पता नहीं क्या ही लूट चाहिए इसको। तो खैर इसको छोड़ के हम आगे की साइड आ जाते हैं, क्योंकि पीछे की साइड जो है वो बग्गी खड़ी थी और हमारे को जो है वो किल ज़्यादा चाहिए थे। तो यहाँ की साइड पर रुकते हैं, और यहाँ पर यार बंदे जो हैं गाड़ी दिख ही रही है यहाँ पर, और बंदा देख रहा है। तो इस बंदे के लिए यार लाइक के बटन को पेल के रख देना, क्योंकि यार ये ऊंचाई पर था और ऊंचाई पर होते इसको नीचे से पेल के रख दिया, और लग नहीं रहा था यार कि इसको दो चार गोली पड़ेगी, पर जैसे तैसे करके यार पेल के रख दिया से। सामने की साइड से बंदा भागता हुआ दिखता है और वो दूसरी टीम का है, और लेफ्ट साइड में यार कोई और बंदा जो है वो कार 98 चिपकाता है। तो काफ़ी देर हम वेट करते हैं, क्योंकि यार हम जोन के अंदर थे तो उनको यार जोन में आना पड़ेगा। और सामने यार पहाड़ी पे एक बंदा जो है वो गलती मोसिन चला रहा था, तो मैं इनको बोलता हूँ यार पीक पूक मत करो, मैच मुच जो है वो हम जीत जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं यार और देखते हैं इनको फिर से। और ये बंदा यार कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चला रहा था मोसिन, तो मेरे को भी ये शॉट लगाएगा और एल तुल ऐसी तैसी करने वाला है। तो आगे बढ़ता हूँ मैं और देखता हूँ इसे, मैं सोच रहा था यार स्कारल से ही दो चार इसको गोली मारूंगा। और ये देखो मतलब बॉडी शॉट पड़ा और हेल्थ किसने ऐसी की तैसी कर दी। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, इससे बदला लेंगे ऐसी बात नहीं है, और चिकन चुकन भी बिल्कुल करेंगे यार। तो अंदर आके मैं थोड़ी बैंडेज लगाता हूँ और फिर जाके देखते हैं इनको। तो जैसे ही मैं आगे की साइड जाता हूँ यहाँ से वो बंदे जो हैं अपनी गाड़ी उठा के जोन में आएंगे और स्प्रे देता हूँ मैं इनको। अब वो बात अलग है यार, इतनी दूर स्प्रे पड़ता नहीं अपना सही से, तो मैं क्या करता हूँ इस साइड ही आता हूँ, क्योंकि यार अगर मैं वहीं पे ही रहा दूसरे बंदों को देखता रहा तो ये पीछे से पेटी बना देंगे। और एक और गाड़ी आ चुके है, अभी ये गाड़ी उसी बंदे की है जो ऊपर की साइड से मोसिन चला रहा था। तो काफ़ी जोर मारेंगे भाई साहब चिकन करने के लिए, पर यार छोड़ने नहीं वाला मैं बिल्कुल भी, बहुत दिन हो गए नू चिकन चुकन खाते। तो आगे की साइड आ जाता हूँ मैं और देखता हूँ क्या पता यार ये बंदे इस साइड ही आ गए। और ये बंदे यार वहीं पे ही टीपीपी ले रहे थे तो ये भी जोन के अंदर, पर यार जोन जो है वो आज अपना साथ देगा और जोन अपने पास बन जाता है। और इधर की साइड यार एक बंदा दिखता है भाइयों को हमारे, और मार्क भी करते हैं ये कि इधर बंदा है। तो काफ़ी ज़्यादा देर तक मैं इधर टीपीपी लेके खड़ा था, पर बंदा यार दिख नहीं रहा था बिल्कुल भी, और ये बंदा जो है एसके वाला उसे पेल के रख देता है। तो एक किल यार इसने कम कर दिया, हम उसकी वेट कर रहे थे कि वो कब जोन में आए। और इतने में ही यार हमारे एक बंदे को नोक कर देता है और साथ ही पूरा खा जाता है, क्योंकि इसको लग रहा था यार मैं ही चिकन करूँगा, और ड्रॉप शॉट देखना यार कहाँ ही लेट के मारेगा। तो ये गलती तो यार मैं बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि मैं हूँ जोन में और लेट गया था। तो इसी के साथ यार अपना चिकन चुकन हो जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया यार वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो पे नए हो तो करो सब्सक्राइब, और भी ऐसे गलत काम वाले गेम प्ले वीडियो के लिए। फिर मिलते हैं यार किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
Yeah.